परिषद ने कराया भूमि पूजन, सीएमओ ने ठेकेदार को दिया नोटिस हटा। शनिवार को नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष की उपस्थिति में अंधेरा बगीचा में बन रहे पुल निर्माण एवं मीडियन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया, जिसमें सीएमओ राजेंद्र खरे को नहीं बुलाया गया। इससे नाराज होकर एक नोटिस ठेकेदार बाबूलाल प्रजापति को दिया गया, जिसमें लेख किया गया कि आपके द्वारा 29 सितंबर को अनुबंध किया, आपके द्वारा बिना अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में लाए एवं उपयंत्री से लेआउट प्राप्त किए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्षदों द्वारा भूमि पूजन किया गया, जिसका कार्य देश निकाय द्वारा आपको जारी नहीं किया गया, जिससे प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, जिसमें ठेकेदार से एक दिन में ही स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि जवाब नहीं दिया गया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ राजेंद्र खरे ने बताया कि अंधेरा बगीचा में पुल निर्माण कार्य होना है, जिसका ठेका बाबूलाल प्रजापति को दिया गया है, जिसमें अभी सिर्फ अनुबंध किया गया है, कार्यादेश जारी नहीं किया गया है। फिर भी ठेकेदार ने परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया है। हमें हमारे उपयंत्री एवं पीडब्ल्यूडी के बाबू को भूमि पूजन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत काम होना है, जिसमें भूमि पूजन में विधायक को भी बुलाया जाना चाहिए, लेकिन सीएमओ यह नहीं बता पाए कि भूमि पूजन से नगरपालिका अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन हुआ है या कौन सा कार्य नियम विरुद्ध हुआ है उसके संबंध में ना मुझे जानकारी है, ना ही हमारे उपयंत्री को जो लोक निर्माण बाबू है ना उसको जानकारी है। कल शाम को जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी, उसके माध्यम से मुझे जानकारी हुई, तब मैंने जानकारी ली अपने उपयंत्री से, लोक निर्माण बाबू से। सभी लोग बोले कि हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। और अभी 29 तारीख को ठेकेदार को का अनुबंध किया गया है, अभी ना ही काल आदेश जारी किया गया है, ना ही लेआउट इंजीनियर ने दिया है। और जो कल अध्यक्ष महोदय एवं उपाध्यक्ष जी, पार्षद जी एवं अध्यक्ष के बड़े भाई के द्वारा पुलिया एवं डिवाइडर का भूमि पूजन किया गया है, इस संबंध में निकाय द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं किया गया, ना ही ठेकेदार को कार्यादेश लेआउट नहीं दिया गया है और ना ही किसी को आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में इन लोगों ने अपनी मनमर्जी से किए गए भूमि पूजन के शिकायत वरिष्ठ कार्यालय से की जाएगी एवं ठेकेदार को भी नोटिस दिया गया है कि तत्काल इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करें। ठेकेदार को किस नियम के तहत आपने नोटिस जारी किया है? ठेकेदार को जो है, जो हमारे टेंडर लगे थे अपने हटा के ठेकेदार हैं बाबू प्रजापति, उनको ठेका मिला है। उस संबंध में उन्होंने अपना स्टाम्प वगैरह 29 तारीख को जमा किया है, उसके संबंध में अनुबंध किया गया है, कार्य आदेश जारी किया जाना था, लेकिन 29 तारीख को 12 बजे से हमारा दमोह में है, हमारा और हमारे सब इंजीनियर का प्रशिक्षण था चुनाव संबंधी, शाम को 4 बजे से भोपाल से डीसी थी NIC में, इस संबंध में मानो उसको कार्य आदेश जारी नहीं किया गया है। भूमि पूजन ठेकेदार द्वारा कराया गया है कि वो परिषद द्वारा कराया गया है? जो भूमि पूजन हुआ है उसमें तो जो सोशल मीडिया में वायरल हुई समाचार पत्र में खबर, उसमें ठेकेदार का ही नाम लिखा है कि ठेकेदार के द्वारा ही भूमि पूजन कराया गया है। इसी संबंध में बोलना चाहता हूँ कि मैं वरिष्ठ कार्यालय सभी जगह भोपाल सागर कलेक्टर को, SDM महोदय को, सभी जगह इसकी संबंध में हम शिकायत करेंगे। 29 तारीख को ठेकेदार बाबू प्रजापति द्वारा स्टाम्प और FD जमा की गई थी और अनुबंध किया गया था, क्योंकि उस दिन चुनाव का प्रशिक्षण था, तो CMO साहब हमारे और उपयंत्री दोनों प्रशिक्षण के लिए 12 बजे यहाँ से निकल गए थे, और उसके बाद जो भूमि पूजन हुआ है उसकी जानकारी ना हमें है, ना हमारे उपेंद्री जी को है, ना CMO साहब को है। उपेंद्री जी वर्तमान में अभी वो कुछ कार्य के लिए अपने सागर गए हैं और कल आ जाएंगे वो। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पिछले एक दिन आए थे उपेंद्री अनुपस्थित हैं। नहीं, अब बीच में वो परीक्षा के लिए छुट्टी लेके गए थे और
जो हमारा डिवीजन ऑफिस है वहाँ से उन्होंने छुट्टी स्वीकृत भी कराई थी। प्लाट बिकाऊ है, शास्त्री वार्ड गड़िया हटा। सोनीलाल पाठक के सामने मुख्य सड़क पर संपर्क करें कमलेश शर्मा 9425665090, अजय शर्मा 8305594095। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।